सेठिया इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, प्रोटॉन के द्रव्यमान का मान कितना होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान का मान 1845 इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्वेश्चन दो, न्यूट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? न्यूट्रॉन पर आवेश का मान शून्य होता है। क्वेश्चन तीन, न्यूटन का द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो न्यूटन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। क्वेश्चन चार, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है ऋणात्मक आवेश। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्जेस नेगेटिव होता है और होल्स पर चार्जेस पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन पाँच, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान का मान 9.1 इंटू 10^-31 किलो होता है। क्वेश्चन छः, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। क्वेश्चन सात, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10^-19 कूलम होता है। क्वेश्चन आठ, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। क्वेश्चन नौ, न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूटन की खोज चेक विक ने की थी। क्वेश्चन दस, जब मल्टीमीटर से खुले रेजिस्टेंस का मान चेक करते हैं तो उसका मान क्या होता है? अनंत। क्वेश्चन ग्यारह, आयरन और स्टील कैसे पदार्थ हैं? आयरन और स्टील फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं, फेरोमैग्नेटिक। क्वेश्चन बारह, ऐसा विद्युतीय यंत्र जिससे किसी परिपथ की विद्युतीय ऊर्जा मापी जाती है वह कहलाता है वॉट घंटा मीटर। क्वेश्चन तेरह, ऐसा उपकरण जिससे ट्रांसफार्मर की फ्रिक्वेंसी मापी जाती है तथा अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है कहलाता है तरंग मापी। क्वेश्चन चौदह, धातुओं में ऊष्मा या प्रकाश के प्रभाव से जो गुण इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है वह कहलाता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। क्वेश्चन पंद्रह, ट्रायड वाल में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन घन। क्वेश्चन सोलह, इंडक्टर इलेक्ट्रोड धारित दोष को दूर करने के लिए बनाया गया है रेटारोट वाल्व। क्वेश्चन सत्रह, कैथोड किरण नली का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों का एक महीन बीम उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन, आंसर इज इलेक्ट्रॉन गन। क्वेश्चन अठारह, रेडियो रिसीवर की इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी आई एफ फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? आई एफ फ्रिक्वेंसी 455 किलोहर्ट्ज़ होती हैं, किलोहर्ट्ज़ होती हैं। क्वेश्चन उन्नीस, वह सर्किट जिसके द्वारा सूचना रेडियो सिग्नल पर लागू करते हैं उसे क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटर, उसे मॉड्यूलेटर कहा जाता है। क्वेश्चन बीस, जिस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में सबसे कम इनपुट इम्पीडेंस होता है कॉमन बेस कहलाता है, कॉमन बेस होता है, कॉमन बेस में सबसे कम इनपुट इम्पीडेंस होता है। क्वेश्चन इक्कीस, ए मीटर फॉर एवर का इनपुट होता है अधिक। क्वेश्चन बाईस, ए मीटर फॉर एवर का आउटपुट होता है बहुत कम। क्वेश्चन तेईस, एम्पलीफायर्स के क्लास बी ऑपरेशन में करंट बढ़ता है इनपुट साइकिल के आधे में। क्वेश्चन चौबीस, वाल्व नंबरिंग में मध्य के एफ अक्षर का अर्थ होता है पेंटोड वाल्व। क्वेश्चन पच्चीस, उल्टे क्रम में एक दूसरे से सेट दो पीएन सिंधी को क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर, यानी कि ऐसे, ये पी एन सिंधी। क्वेश्चन छब्बीस, ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य होता है प्रवर्धन करना यानी एम्पलीफाई करना। क्वेश्चन सत्ताईस, धातुओं में मुख्य इलेक्ट्रॉनों के कारण
ऊर्जा होती है पॉजिटिव। क्वेश्चन 28, वाल्व नंबरिंग में मध्य के अक्षर का अर्थ होता है डबल डायोड संसूचक। क्वेश्चन 29, डबल डायोड में होते हैं दो एनोड। क्वेश्चन 30, डबल डायोड में पेंट्रोड होते हैं एक पेंट्रोड। क्वेश्चन 31, जिसकी प्रतिरोधकता चालकों तथा विद्युत रोधियों के बीच होती है कहलाते हैं अर्धचालक, यानी कि जिसमें इंसुलेटर के गुण भी हो और कंडक्टर के गुण भी हो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। क्वेश्चन 32, वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ के परिपथ में प्रयोग होने वाले डायोड कहलाते हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर डायोड भी कहते हैं, यानी कि इसमें वोल्टेज को रेगुलेट किया जाता है। जैसे डायोड 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट रेगुलेट करके देगा, हमें 5 वोल्ट ही देगा, उससे कम नहीं देगा और ना ज़्यादा ही देगा, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। क्वेश्चन 33, कंडक्शन बैंड के अंतस खाली होते हैं अचालक में। क्वेश्चन 34, फॉरबिडिंग गैप में चौड़ाई अधिकतम होती है चालकों के लिए। क्वेश्चन 35, शुद्ध जर्मेनियम से प्राप्त होते हैं जब उनमें मिलाए जाते हैं इंडिनियम। क्वेश्चन 36, पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य के लिए आवश्यक होते हैं दो डायोड। क्वेश्चन 37, आउटपुट को शुद्ध किया जाता है फिल्टर सर्किट द्वारा। क्वेश्चन 38, अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ की रिपील फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ज। क्वेश्चन 29, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ की रिपल फ्रीक्वेंसी होती है 100 हर्ज। क्वेश्चन 40, किसकी दक्षता कम होती है अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ की।